शिका, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए कौन सी क्लास में, क्या पूछना है आपको? 10th क्लास। ओके, एंड कौन से क्वेश्चन करना है आपको? 6th, ऑल ऑल करने। अच्छा, एक मिनट रुकिए, क्या आप एक मिनट वेट कर लोगे? मैं जरा पढ़ लूँ, फिर मैं इसके आपको आंसर्स बताती हूँ, ठीक है? यस मैम। कि आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 words। अच्छा देखो, वैसे तो चार आंसर करने, लेकिन आपको ये सभी के आंसर चाहिए, राइट? यस मैम। ओके ओके। व्हाई डू यू थिंक द पोएट कैरोलिन वेल्स हैज यूज्ड वर्ड लाइक डाइंग, लैप एंड नॉन प्लस इन हर पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स व्हाट इफेक्ट डू दे क्रिएट इन द पोएम? ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट कैरोलिन हैज यूज्ड वर्ड लाइक, यानी हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो कैरोलिन है उसने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जैसे हो गया डाइंग, लैप, ठीक है, या नॉन प्लस उनकी पोयम में। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी वाइल्ड एनिमल्स को किस तरीके से बताया जाए, एंड व्हाट इफेक्ट डू दे क्रिएट इन द पोयम, और वो पोयम में किस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके चलिए, ओके ये हो गया हमारे पास। व्हाई डू यू थिंक द पोएट कैरोलिन वेल्स हैज यूज्ड अ वर्ड लाइक डाइंग, लैप एंड नॉन प्लस इन हर पोएम? ठीक है चलिए बेटा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। चलिए अच्छा बेटा, इफ यू डू नॉट माइंड, क्या हम पहले सेकंड वाला क्वेश्चन अटेंड कर ले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कीशा गौतमी वाला? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको उसके अंदर? नो मैम। चलिए अब है आपका, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक कीशा गौतमी वो सेल्फिश इन हर ग्रीफ, आपको क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक कीशा गौतमी वो सेल्फिश इन हर ग्रीफ, से यस एंड नो, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो कीशा गौतमी है जिसकी बेटी की डेथ हो गई थी वो सेल्फिश थी, है ना? हमें रीजन देना और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ओके चलिए, अब आंसर नंबर टू आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, आंसर नंबर टू। चलिए, क्या कीशा गौतमी सेल्फिश थी, क्या आप मुझे बता सकते हो, हाँ या ना? यस मैम। कैसे वो सेल्फिश थी? मैम वो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहती थी। ठीक है चलिए, देखिए उसको पहले तो ये लगता था किसी भी तरीके से उसका बेटा सही हो जाए, यानी वो जिंदा हो जाए, ठीक है? नो, यस शी वॉज, यस शी वॉज सेल्फिश इन हर ग्रीफ, ठीक है, इन हर ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब हो गया या दुख से, ठीक है, बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट, वॉन्टेड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आपको राइटिंग समझ आ रही है? यस मैम आ रही है। द रियलिटी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड बट ओनली wanted to get, ठीक है, यानी वो क्या कर रही थी, हाँ वो सेल्फिश थी, जब वो अफसोस कर रही थी उसको अपने बेटे का दुख था, क्यों? क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि दुनिया की सच्चाई क्या है, है ना? लेकिन उसको बस क्या चाहिए था, अपना बेटा वापस चाहिए था, वॉन्टेड टू। आपका जब यहां तक हो जाए आप मुझे बता देना, ठीक है? मैम हो गया, वॉन्टेड टू गेट हर सन बैक, ठीक है, दो शी समवेयर समवेयर, ठीक है, वॉज अवेयर
दो शी समवेयर वॉज अवेयर, ठीक है, दैट दो शी वॉज अवेयर, ठीक है ठीक है, दो शी समवेयर वॉज अवेयर दैट शी कुड नॉट गेट हिम बैक। अब देखो क्या था, हाँ वो दुनिया की जो सच्चाई थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, ठीक है, उसको पता था, वो ये सोच रही थी कहीं ना कहीं, ये वो सोच रही थी कि उसको उसका बेटा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी वो क्या करती है, कोशिश करती ही रहती है, तो वो दुनिया की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। ओके, यस मैम, उसी के तरीके से उसका क्या था, जो ग्रीफ है, उसका जो दुख है, उसने उसको क्या बना दिया था, सेल्फिश बना दिया था, यानी सारी परेशानी को छोड़ के उस परेशानी पे फोकस कर दी थी जो अब उसके हाथ में नहीं है। ओके, फिर ओके मैम, है आपका नेक्स्ट। ओके, चलिए अब है आपका नेक्स्ट। वैलिडेट द स्टेटमेंट दैट द एक्शन इन द प्ले द प्रपोजल कंप्राइज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ एक्शन दैट फॉलो अ पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। अच्छा, अब देखो ये जो हमारी है प्रपोजल है ना, ये जो हमारी एक पोयम है प्रपोजल, इससे हमें बताना है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हुई हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इन कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्या हुआ है, एक रेजोल्यूशन भी हुआ है। ओके, यस मैम, चलिए आपने ये कर लिया सेकंड वाला, यस मैम, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे इसका एक वो बता सकती हो कि क्या यहाँ पे हमने एक चीज देखी इस पोयम में और उसका कैसे रेजोल्यूशन हुआ? मैम ये पहली बात तो पोएम नहीं है, चैप्टर था, अच्छा, फिर ये प्ले था जिसमें है ना जी बताइए। चलिए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन की बात हुई है, लड़ाई होना एंड उसको रेजोल्यूशन होना, प्रपोजल होना, किसी को एडवाइस वगैरह देना, है ना, इसी तरीके का ये टॉपिक होगा। आंसर नंबर 3। हेलो रुचिका,